अभी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा, स्वागत है आप सभी का 3 बजे की 3 बड़ी और अहम खबरों में। आज के दिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से ट्वीट किया और ये कहा कि सत्ता अब मेरे हाथों में दे दी जाए, इसीलिए आज के दिन उन्होंने जिक्र किया कि तेजस्वी मांगे सत्ता। तेजस्वी यादव ने यह कहा कि अगर नीतीश कुमार से सरकार अगर नहीं चल पा रही है, अगर वो बिहार वासियों का ध्यान अगर नहीं रख पा रहे, तो फिर माननीय सत्ता मुझे दीजिए, मैं चलाकर दिखाता हूं। और इस पर अब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार अब जारी है। दूसरी खबर आज के दिन की, तमंचे पर डिस्को। बेशक लॉकडाउन का दौर है पूरे बिहार में, लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं, कई पाबंदियां लगाई गई हैं, शादी समारोह में पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, इस तरह से वहां पर डिस्को भी जारी है। तीसरी खबर आज के दिन की, कहीं छूट और तो कहीं पर सख्ती, क्योंकि ई पास के माध्यम से जिन लोगों को बाहर निकलना था अब उन लोगों को थोड़ी राहत अब दी गई है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो जरूरी काम से भी बाहर निकल रहे थे, उनके लिए भी ई पास कहा जा रहा था बेहद जरूरी है। जैसे कि जो लोग जाते थे दवाइयां लेने के लिए, चेकअप कराने के लिए, इलाज के लिए या वैक्सीन लगवाने के लिए, तो ऐसे लोगों को राहत अब दी गई है, उन लोगों से अब ई पास अब नहीं मांगा जाएगा। ये 3 बड़ी खबरें जिस पर आज के दिन हम डालेंगे नजर, लेकिन उसके पहले देखिए आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते कोरोना के प्रकोप पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, फेसबुक लाइव में बोले तेजस्वी अगर सत्ता नहीं संभल रही तो छोड़ दे कुर्सी। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी ने किया पलटवार, बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद बोले सुर्खियों में रहने के लिए तेजस्वी करते हैं कर्तव्य। गोपालगंज में कोरोना के नियमों की उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में बार बालाओं की डांस का वीडियो वायरल, वीडियो में तमंचे के साथ डांस करती नजर आ रही है डांसर। झारखंड में ई पास को लेकर डीजीपी ने जारी किए नए दिशा निर्देश, वैक्सीन लगवाने और मेडिकल इमरजेंसी में ई पास की जरूरत नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ, तेजस्वी मांगे सत्ता, क्योंकि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के बीच सोमवार को बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फेसबुक लाइव किया। इस दौरान उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और सूबे की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। तेजस्वी ने कहा कि अगर सरकार नहीं संभल रही तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हमें मौका दीजिए, हम दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। तेजस्वी यादव ने आज के दिन क्या कहा वो भी आप सुनिए। आप लोगों को पता होगा राष्ट्रीय जनता दल पहली ऐसी पार्टी है जिसने बिहार चुनाव के समय भी हमने बोला था कि लाशों के ढेर पे चुनाव मत कराइए, लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा, तो हम लोग लड़ाए चुनाव और मुझे विश्वास था कि जनता का समर्थन हम लोगों को मिलेगा और जनता ने जनादेश भी हम लोगों को दिया, महागठबंधन को दिया। ये लोग चोर दरवाजे से फर्जीवाड़ा करके लोग वापस सत्ता में आए और आज लोगों की उम्मीद नीतीश कुमार जी से, बीजेपी से नहीं रह गई। पीएम नरेंद्र मोदी कहते थे कि हम बिहार के बेटा हैं, कहां है बिहार के बेटा, कहीं नजर आ रहे? क्या सहयोग कर रही है केंद्र सरकार बताइए, बीजेपी के लोग की पीएम केयर फंड से बिहार को कितना पैसा मिला, कितने ऑक्सीजन वेंटिलेटर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था कराई गई। इनके केंद्र मंत्री अश्विनी चौबे ने क्या किया एम्बुलेंस को लेकर के, हमने जो उजागर किया है उस पर आप स्थिति देख लीजिए। जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री है वो इतना बड़ा बेईमानी कर रहा है, इनके कोई 39 एमएलए एमपी है क्या कर रहे हैं, इनको बताने का काम करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है एक अलग राजनीति में लगे हैं, नकारात्मक राजनीति में लगे हैं, हम लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है हर एक चीज का। पहली ऐसी पार्टी है जिसने सभी विधायकों का महीने का सैलरी जो है हम लोगों ने डोनेट किया। पहली ऐसी पार्टी दफ्तर देने को तैयार, हर तरह का सहयोग देने को तैयार, बल्कि हम तो सरकारी बंगला भी जो हमको मिला हम कह रहे उसको भी आप ले लीजिए, तैयारी कीजिए, जो संभव मदद हो सकता हम लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको जरूरी लगा कि आप लोगों के बीच आए और बात को रखें और इसके बाद ठीक बात हम जा रहे हैं चिट्ठी लिखने मुख्यमंत्री जी को,
चार साल में एक बार भी मुख्यमंत्री ने हमारे किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, किसी भी चिट्ठी का। नेता विरोधी दल एक संवैधानिक पद होता है और मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर नेता प्रतिपक्ष के सवाल को अगर समक्ष रख रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी का जवाब तो मिलना चाहिए। चार सालों में एक बार भी नीतीश कुमार जी ने, बीजेपी के लोगों ने किसी भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया, ना हमें अनुमति मिलती है। अगर अनुमति नहीं देंगे, अगर सड़कों पर, अस्पतालों में अगर हम जाएंगे जायजा लेने, तो मुकदमा कराया जाएगा और ये भ्रम फैलाया जाएगा कि नेता विरोधी दल इस कोविड के समय कोरोना फैलाने का काम कर रहे हैं, नकारात्मक राजनीति करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अपने जिम्मेदारियों को जानते हैं और बखूबी उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और हम चिट्ठी लिख करके हम अपील करेंगे कि बिहार सरकार हमको अनुमति दे कि हम चीजों का जायजा ले सके, वास्तविकता जो है वो रख सके, लोगों तक संभव मदद हम पहुंचा सके। अगर आपसे नहीं संभल रहा है बिहार, तो आपको छोड़ देना चाहिए, अंतरात्मा जगाना चाहिए। हम लोग बताएंगे कि ऐसे सरकार चलता। लेकिन तेजस्वी यादव की इस फेसबुक लाइव के बाद ऐसा नहीं है कि ये बातें यहीं पर सिमट कर रह गई। इसके बाद अब पूरे सीआरसी गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे हम जेडीयू की बात करें, आप बीजेपी की, या हम की, या वीआईपी की। क्या कहना उन तमाम नेताओं का, देखिए आप। खबरों की सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह के कर्तव्य कर रहे हैं, कभी वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कभी फेसबुक लाइव करते हैं, और सारी बातें ऑफ्ट रिपीटेड है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब, आप रिएक्टिव होने की बजाय थोड़ा सा नेता विपक्ष के तौर पर क्रिएटिव हो जाएं। आप सरकार के प्रति सहयोगी भूमिका निभाएं इस कोविड की त्रासदी के दौर में। आज जब 2G दवा का इजाद किया गया है, उसकी पहली खेप रिलीज की जा रही है रक्षा मंत्री जी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, तो आप फेसबुक लाइव करने बैठ गए और देश में जिस तरह का निगेटिव कोनोटेशन तैयार करके एक निगेटिव माहौल तैयार आप कर रहे हैं इस कोविड की त्रासदी के दौर में, वो अफसोसजनक है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के आज जो फेसबुक के माध्यम से जनसंवाद स्थापित हुआ था, तो हमें उम्मीद थी कि जनता भी अपनी राय कुछ रखेगी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से आज इस्तीफा मांग रहे थे और इस्तीफा मांगकर कह रहे थे कि सत्ता हमको सौंप दीजिए, हम बिहार चला के बताएंगे। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि 15 साल बिहार की जनता ने आपके माता पिता को सरकार सौंपी थी, बिहार की क्या स्थिति की ये पूरी दुनिया जानती है। इतनी फजीहत, इतनी थुथु होने के बाद आखिरकार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अपनी रियलिटी को भांपते हुए वर्चुअली ही फेसबुक के माध्यम से प्रकट तो हुए और एक से एक बहाने दिए, एक से एक एक्सक्यूजेस बनाए। हम उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, लेकिन कोई आम आदमी भी जब उनके एक्सक्यूजेस को सुनेगा तो समझ जाएगा कि जैसे कोई बच्चा जब पढ़ाई नहीं करना चाहता है तो बहाने बनाता है, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव जी जनता के काम नहीं करना चाहते हैं इसलिए बहाने बनाते हैं। और बड़े ताज्जुब की बात है, ये अपने विधायकों को आदेश देते हैं कि आप अपने क्षेत्र में रहिए, कोविड केयर सेंटर चलाइए, जनता की मदद करिए, लेकिन ये खुद अपने क्षेत्र में नहीं जाएंगे, इनके भाई तेज प्रताप यादव क्षेत्र में नहीं जाएंगे, शायद इसी वजह से इनके क्षेत्र की जनता। तो चलिए कुमार गौतम अब लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। गौतम, तेजस्वी यादव का अचानक फेसबुक लाइव आना, ये कहना कि अगर बिहार की तस्वीरें अगर आपसे अगर नहीं समझ में आ रही हैं या फिर अगर आप नहीं संभाल पा रहे इन हालातों को, तो आप सत्ता की चाबी मुझे आप सौंप दीजिए। लेकिन ये भी जिक्र किया गौतम तेजस्वी यादव ने कि कई उन्होंने पत्र लिखे हैं, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते एक भी पत्रों का उन्हें जवाब नहीं दिया गया है मौजूदा सरकार की तरफ से, ये भी एक सवाल है गौतम। बिल्कुल सागर, आपने ठीक कहा कि तेजस्वी यादव ने कई बार पत्र लिखे हैं, लेकिन उस पत्र का अब तक कोई जवाब उनको नहीं मिला है, ये तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। दूसरी बात, देखिए बिहार की जो सियासत है, राजनीति है, वो एकदम एक कहते हैं ना कि आत्मा भटकती आत्मा वाली राजनीति, वो इसलिए है क्योंकि देखिए अगर सरकार कुछ करती है तो विपक्ष उस पर हमलावर हो जाता है और बौखला जाता है।
विपक्ष कुछ करता है तो सरकार की जीत पकता है, मतलब एक ने पहल की तो दूसरे ने उस पर राजनीति शुरू कर दी, और दूसरे ने पहल की तो पहली राजनीति शुरू हो गई। यही वजह है कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यदि फेसबुक लाइव के जरिए अपनी बात कहना चाहते हैं तो उसके बाद उनके सुझावों को सत्ता पक्ष के लोगों को मानना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर ही कमेंट, उनके ऊपर ही निशाना साधना, और आज तेजस्वी यादव ने भी वही किया, मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना साधा। अब एक बात बताइए सागर, क्या जनता नहीं जानती है कि तेजस्वी यादव का आवास और मुख्यमंत्री का आवास सिर्फ एक सड़क के आमने और सामने है? जो बातें आज तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव के जरिए पूरी दुनिया को दिखा करके नीतीश कुमार को कहना चाहते हैं, अगर हेल्दी राजनीति हो, स्वस्थ राजनीति हो, तो सिर्फ सड़क को पार करके आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिल सकते हैं, आप उनसे ये बातें कह सकते थे। आप अभी ठीक है कि सदन नहीं चल रहा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री मिलने से मना कर देंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को? कभी इन्होंने पहल की है क्या? तो कई ऐसे सवाल हैं जो बिहार की राजनीति में चलते रहते हैं, उसी की एक कड़ी है। आज फेसबुक लाइव के जरिए तो कल ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव अपनी बात रखते हैं, सरकार के ऊपर निशाना साधते हैं, सरकार को आईना दिखाने की बात करते हैं, लेकिन सरकार ने जब जवाब नहीं दिया, इसका मतलब ये बहुत साफ है कि तेजस्वी यादव को हल्के में भी नहीं ले रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, या फिर जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, जनता जान रही है, जनता समझदार है, लेकिन चूंकि ये घड़ी, ये समय ऐसी घड़ी है जहां पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर किसी ने बयान दिया भी तो उस बयान को, उसके ऊपर कोई दूसरा बयान दे करके अपनी राजनीति चमकाने का वक्त नहीं है। आप देखिए पिछले एक महीने से जिस तरह से बिहार कोरोना के कहर से जूझ रहा है, अब एक नई कहानी आ गई है ब्लैक फंगस के रूप में, अब सरकार इसे कैसे निपटेगी? जिन लोगों को ऑक्सीजन चाहिए, जिन लोगों को दवाइयाँ चाहिए, ऐसा नहीं है, जो आपाधापी कल थी वही आपाधापी आज है, बस आंकड़ों में, आंकड़ों का हेरफेर है, आंकड़ों में कमी दिख रही है, रोज़ जो जांच हो रहे हैं उसमें कमी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन का असर है। तो ऐसे में लॉकडाउन की इस घड़ी में सत्ता वाले पूछते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्यों नहीं निकलते, अगर ये निकलेंगे तो सरकार FIR कर देगी। मतलब यहाँ तो कुछ निगलना भी मुनासिब नहीं है, कुछ उगलना भी मुनासिब नहीं है, और यही बिहार की सियासत है जहाँ ये दौर चल रहा है, और इसी कड़ी का उदाहरण है कि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो फेसबुक से अपनी बात कहते हैं उसके बाद भी सियासत शुरू हो जाती है। लेकिन शायद यही वजह है, लग रहा है कि गौतम, जो तमाम सत्ता पक्ष के नेता हैं वो तिलमिला से गए इस बयानों के बाद तेजस्वी यादव जब फेसबुक लाइव आए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज के दिन ये भी कहा है गौतम कि अगर मुझे मौजूदा सरकार मौका दे या इजाजत दे तो हम भी लोगों के बीच हम जाएंगे, अस्पतालों का दौरा हम करेंगे, RJD के तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे। क्या आपको लगता है कि वाकई में इजाजत यहां पर दी जाएगी, सरकार इस पर विचार करेगी, या फिर यही सोचेगी सरकार की कहीं पप्पू यादव की तरह अगर तेजस्वी यादव ने लोगों की मदद कर दी तो फिर सरकार की किरकिरी भी हो सकती है? गौतम, तो इसका मतलब तो सीधे तौर पे आप मान सकते हैं कि जो हाल अभी पप्पू यादव का अगर हुआ है तो उससे बचना चाहते हैं, उससे डरते हैं तेजस्वी यादव, एक बड़ा सवाल है। लेकिन पप्पू यादव की अलग राजनीति है, इनकी अलग सियासत है, ये नेता प्रतिपक्ष हैं, इस हैसियत से जा सकते हैं, इनको परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन की इस घड़ी में आखिर जनता के बीच में ये जाएंगे तो कैसे जाएंगे? सवाल ये है कि क्या जिन प्रतिनिधि, जो भी जहाँ जहाँ भी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के जनप्रतिनिधि कम से कम अगर हाल चाल लें तो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में ही मरीजों का हाल ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष, दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे को कटाक्ष करते हैं, एक नाम लेके करते हैं, एक बिना नाम लिए करते हैं, एक ट्विटर के जरिए करते हैं, एक फेसबुक के जरिए करते हैं, तो दूसरे अपने रूप में करते हैं। तो यहाँ ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यदि निकलना चाहें निकल सकते हैं, इनको कोई, किसी ने नहीं रोका है, लेकिन सवाल ये उठता है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परमिशन मांगते हैं सरकार से, बाकी चीज़ों के लिए कहाँ आपने परमिशन मांगा? आपने पटना के गांधी मैदान में न जाने कितने किसान रैलियाँ कर दी, किससे परमिशन मांगा आपने? परमिशन नहीं भी मिला तो भी आपने वो काम किया, आपके ऊपर पहले से कई FIR है, तो अब एक दो FIR बढ़ भी जाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर परमिशन मांग रहे हैं तो वो जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जान रही है
अगर इनको जो काम करना है वो कर सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से कर सकते हैं, एक मजबूत विपक्ष की हैसियत से पूछ सकते हैं, कह सकते हैं और कर सकते हैं, इनको किसी ने मना नहीं किया है। लेकिन सवाल ये है कि आप मांग किससे रहे परमिशन, आपको मांगने की आवश्यकता क्या है? आप तो खुद नेता प्रतिपक्ष हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं, हाल चाल ले सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी का दौर है, कोई फेसबुक के जरिए, कोई सोशल मीडिया के जरिए, तो कोई अपने बयानों के जरिए, मतलब यही दौर चलता रहता है। मरीजों का हालचाल, मरीजों के कुशल क्षेम के बारे में किसी को चिंता नहीं है। मैं एकदम साफ कर देना चाहता हूँ, सब कुछ राम भरोसे है और बिहार की अभी यही कंडीशन है। कोरोना के सेकेंड फेज में, थर्ड फेज आएगा तो आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि शुक्र सिर्फ इस बात का है कि बिहार में लॉकडाउन है, लोग एहतियातन जो पालन कर रहे हैं उनकी जान बच रही है, जो बाहर निकल रहे हैं, जो लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, जो कोरोना की गाइडलाइन को नहीं मान रहे हैं, ऐसे लोगों को ये दिक्कतें हो रही है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि स्थितियां अच्छी नहीं है और बिहार के अंदर तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ऐसे में सियासत का दौर वो भी अच्छा बात नहीं है। जी चलिए, शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए। तो सीएम अपनी अंतरात्मा से एक बार झांक कर देखें, अंतरात्मा में सोचें कि बिहार के हालात कैसे हैं, जो तमाम बयान आज के दिन आए तेजस्वी यादव के, उन्होंने ये तक कह दिया कि बिहार की सत्ता और बागडोर हमारे हाथों में दीजिए, फिर हम करके दिखाते हैं काम कि कैसे होगी लोगों की रक्षा। लेकिन अब आप देखेंगे तमंचे पर डिस्को, क्योंकि बिहार की गोपालगंज जिले में भी कोरोना संक्रमण लगातार जारी है। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को रोकने के लिए तमाम गाइडलाइंस जारी की, शादी बारात टालने की अपील की थी, बावजूद इसके गोपालगंज में शादी समारोह में सभी नियम कानून को ताक पर रखा गया, जमकर हंगामा हुआ, मजमा लगाया गया। मामला यादवपुर के जगरी टोला गांव का है, जहां पर शादी समारोह में जमकर ऑर्केस्ट्रा पार्टी का भी आयोजन किया गया। इस ऑर्केस्ट्रा में बार बालाओं का डांस कराया गया, इसका वीडियो जब सामने आया तो लोग हैरान हो गए। वीडियो में आप देखिए कैसे डांसर के हाथों में दो दो तमंचे हैं। स्थानीय सरपंच अनीता देवी के पति ने ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन किया, जो पेशे से शिक्षक भी हैं लेकिन बुद्धि नहीं है एक पैसे की। अगर बुद्धि होती और वाकई में शिक्षक होते तो शायद इस तरह के आयोजन ये ना कराते सरपंच साहब। रिवॉल्वर हाथों में दे दिया गया, तमाम ऐसे देखिए असामाजिक तत्व और आवारा किस्म के जो लोग वहां पर पहुंचते हैं वो भी भूल जाते हैं, किसी के चेहरे पर मास्क आप नहीं देख रहे होंगे। लेकिन सवाल है कि प्रशासन क्या वहां पर सोई हुई थी, क्या आसपास जो पुलिस चौकियां हैं, जो पुलिस थाने, उन्हें पता नहीं है, या फिर नोटों की गड्डियां पहुंच गई थी कि आप आइएगा मत इधर। सरपंच के पति ने ही देखिए जमकर डांस कराया, लोग वहां पर शामिल हुए और जमकर वहां पर डिस्को डांस, इतने मशगूल हो गए वहां पर आए हुए लोग की हाथों में ही दे दिया, लीजिए आप डांस कर रही हैं, आप ही अब कट्टा अपने हाथों में लीजिए। शैलेंद्र श्रीवास्तव संवाददाता फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। शैलेंद्र, क्या कोई कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया सरपंच के पति पर? जी अभी तक कोई प्रशासन के द्वारा इस पे कार्रवाई नहीं की गई है, और जिस तरह देखा जा रहा है कि नर्तंगनी द्वारा जो तमंचे को खुलेआम लहराया जा रहा है और डांस किया जा रहा है, उसके बाद से वो लाके उस वहाँ पे बैठे जो है उनको दिया जा रहा है। इस तरह कहीं ना कहीं ये अगर एक तरह कहा जाए तो ये भी जो सुशासन की सरकार है उसको सरेआम उसकी धजिया उड़ाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई की सूचनाएं नहीं मिल पा रही है। जी शैलेंद्र, क्या स्थानीय पुलिस की टीम उस दिन सोई थी क्या, या फिर प्रशासन के जो तमाम वहां पर अधिकारीगण जो लोग ग्राउंडिंग पे रहते हैं, या फिर सरपंच साहब ने या फिर उनके पति ने नोटों की गड्डी दे रखी आप इधर आप आइएगा मत उस दिन? जी निश्चित नहीं, अगर कहा जाए तो स्थानीय प्रशासन की इसमें उदासीनता देखी जा रही है। कहीं ना कहीं बिहार सरकार के जो कानून व्यवस्थाएं हैं और जो स्थानीय पुलिस है, या जो यूं कहें कि बिहार सरकार की जो सुशासन की पुलिस है, उससे लोगों के मन से डर जो है सो निकल गया है, जिसका जीता जाता उदाहरण ये जो वायरल वीडियो है इसमें देखा जा रहा है। जी ठीक है शैलेंद्र, क्या ये लग रहा है आपको कि एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, या फिर कार्रवाई जारी है? जी अभी अगर बात किया जाए तो इसपे जब अगर बात किया जाए तो कैमरे के सामने कोई जाकर कुछ कहने से तो इनकार किया, लेकिन अगर उन लोगों का ये कहना है जो कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन है, उसका कहना है कि इसकी जांच हो रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसपे निश्चित ही उसपे कार्रवाई होगी, और कार्रवाई और साधारण कार्रवाई कठोर कठिन कठोर कार्रवाई होगी, और भी
कई मामलाए हैं, जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन का उल्लंघन का भी मामला है, उसका भी होगा, और ये जो सरियाम जो तमंचे लहराया जा रहा है इस पर भी कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई निश्चित ही होगी। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। के दौरान तमंचे पर डिस्को, सरपंच के पति ने पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया। वीआईपी न्यूज प्रमुखता से देखिए इस खबर को दिखा रही है। एसपी साहब को फोन किया जा रहा है, सीओ साहब को, लेकिन वो लोग भी अभी सोए हुए हैं। उन्हें पता है कि जब वीआईपी न्यूज सवाल करेगा तो उनका जवाब कुछ भी नहीं निकलेगा, उनकी जुबान पर ताला लग जाएगा। ये आलम है बिहार का, जहां पर तमंचे पर डिस्को हो रहा है, डांस हो रहा है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं। लेकिन चलिए अब देखिए, कहीं पर छूट तो कहीं पर सकती, क्योंकि झारखंड में 16 मई से लॉकडाउन यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिसको नाम दिया गया है, उसमें तमाम सख्ती बरती जा रही है। किसी भी गाड़ी को बिना पास के सड़कों पर जाने की इजाजत नहीं है। सख्ती के कारण इलाज कराने वाले लोगों को भी काफी दिक्कत हो रही थी, जो लोग टीका कराने के लिए बाहर निकल रहे थे, लेकिन अब उनकी परेशानियों को देखते हुए इसमें राहत अब दी गई, यानी कि ई पास के नियमों में संशोधन किया गया, कई लोगों को इसमें छूट अब दी गई। और अगर कोई वैक्सीन लगवाने जा रहा है तो फिर उन्हें अब ई पास अब दरकार अब इसकी नहीं होगी। शुभम कुमार लाइव जुड़ गए रांची से पूरी जानकारी के साथ। शुभम, कई लोगों को परेशानियां हो रही थी जिनके पास ई पास नहीं था, जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे थे, अचानक जिनके घर में किसी की तबीयत खराब हो जा रही थी, जो लोग दवाएं लेने जा रहे थे, तो ऐसे में एक अच्छी पहल है, मतलब कि उनसे अब ई पास अब नहीं लगेगा, जो नियमों में संशोधन किया गया। शुभम, बिल्कुल बिल्कुल सागर, नियमों में संशोधन किया गया और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी भी था करना, क्योंकि जिस तरीका से 16 मई से ई पास का संचालन शुरुआत हुआ था, उसी दौर में देखने को मिला था कई लोग परेशान थे, राज्य की जनता परेशान थी, किसी को दवाई लाने में परेशानी हो रही थी, तो कोई घर से निकलने में सोच रहा था, तो वो सोच रहा था तो ई पास बनवाएं तो बनवाएं कैसे। हालांकि कल देर रात राज्य के DGP खुद उन्होंने साफ तौर पर आदेश दिया है अपने तमाम पदाधिकारियों को कि कोई भी व्यक्ति जो वैक्सीन लेने जा रहा हो, चाहे वो मेडिकल पर्पस से अपने घर से बाहर निकला हो, उसे एकदम नहीं रोकना है, उसे बिना ई पास के आवागमन करने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन जिस तरीका से झारखंड में जो कोरोना के बढ़ते रफ्तार को हम देख रहे थे, उसी को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि सभी लोगों को ई पास दिखाना अनिवार्य होगा, और शायद इसी वजह से ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं ये बखूबी बयां करती है कि ई पास के लागू करने से सड़कों पर अब सन्नाटा ज़रूर पसरा है, लोग बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। देखिए, ट्रैफिक पुलिस लगातार तमाम वाहनों को जांच कर रहे हैं और उनसे बस एक ही कारण पूछ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है, कहाँ से कहाँ जाना है और आपके पास ई पास है या नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि शुभम, एक बार जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के लोग हैं उनसे एक बार ये पूछिए कि अगर कोई मान लीजिए बहाना बनाकर कह देता है कि हम दवाइयाँ लेने जा रहे हैं या फिर हम किसी ज़रूरी काम से हम जा रहे हैं, तो उनसे कैसे निपटती है पुलिस? शुभम, देखिए हम बिल्कुल हम बात करने की कोशिश करेंगे और सीधा तौर पे हम जुड़ेंगे। हालांकि जिस तरीका से सख्त तौर पे जो साफ तौर पे कहा गया था कि जो भी व्यक्ति मेडिकल कारणों से घर से बाहर निकलेगा उन्हें साफ तौर पर अनुमति दे दी गई थी, लेकिन जो परिस्थिति है झारखंड में लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो घर से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, कह सकते हैं गलत इस्तेमाल के तौर पर ई पास उन्होंने बनवा कर रखा है। तो तमाम सवाल हैं और तमाम सवालों के जवाब कहीं ना कहीं अब राज्य की जनता को भी देना पड़ेगा, और एक जागरूकता की बात है क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाए गए हैं और सभी लोग ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना को कैसे नियंत्रण में लाया जाए। पुलिस प्रशासन से लेकर राज्य सरकार के जितने भी पदाधिकारी हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो तमाम लोग लगे हुए हैं कि कैसे स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। दूसरी बात करें सागर, तो जिस तरीका से जो बढ़ता ग्राफ था कोरोना का, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने के बाद स्थितियां थोड़ी समतल ज़रूर देखने को मिली है, आंकड़ों में गिरावट आई है, मौतों का दर कम हुआ है,
तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा असर है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का, जो कि हम झारखंड की राजधानी रांची में देख रहे हैं। सड़कें सन्नाटा में तब्दील हो चुकी हैं, लोग अब बाहर निकलने से कतरा रहे हैं कि एक डर मन में बैठ चुका है, अगर हम बिना ई पास के बाहर जाएंगे तो ट्रैफिक पुलिस के द्वारा हमारा चालान काटा जाएगा और चालान की कीमत रखी गई है, अगर आप दोपहिया वाहन से हैं तो 500 रुपये का चालान आपको देना पड़ेगा। जी चलिए, शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो ई पास के नियमों में संशोधन किया गया, ये इसीलिए ताकि जो लोग निकल रहे थे घरों के बाहर जरूरी काम के लिए भी उनसे ई पास मांगा जा रहा था। तो चलिए जल्दी से आज के दिन की तीन बड़ी खबरें जो काफी बड़ी और अहम है उसके बारे में जान लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि सत्ता की चाबी आप मुझे सौंपिए। नीतीश कुमार जी, अगर आपसे बिहार के हालात अगर नहीं संभल रहे, अस्पतालों की तस्वीरें अगर आप देख कर भी अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप कहीं आरजेडी इन तमाम हालातों से निपट सकती है बहुत आसानी से। दूसरी खबर आज के दिन की, तमंचे पर डिस्को गोपालपुर की ये तस्वीरें थी, जहां पर आज के दिन हमने एसपी से बातचीत करने की कोशिश की फोन पर कि क्या कोई कार्रवाई किया गया, एक्शन लिया गया लॉकडाउन के दौरान अगर इस तरह के काम किए जा रहे हैं, लेकिन एसपी साहब फोन नहीं उठाए, वो कहीं पर व्यस्त थे आज के दिन। तीसरी खबर आज के दिन की, कहीं पर छूट तो कहीं पर सकती ई पास, जो बेहद जरूरी है समय झारखंड में, जो लोग अगर घरों से बाहर निकल रहे हैं, अगर गाड़ियों से अगर कहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग वैक्सीन के लिए जाएंगे, दवाओं के लिए जाएंगे, किसी के इलाज के लिए जाएंगे, तो उनके लिए ई पास अब जरूरी नहीं होगा, वो अब जा सकते हैं बड़े आराम से। ये फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।